यू गाइज आर मेकिंग अ बिगेस्ट मिस्टेक इन योर लाइफ. और आज इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि आपकी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है. जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो जो स्क्रीन के उस साइड देख रहा है, मतलब उस साइड है. हाँ, आप ही से. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ही से बात कर रहा हूँ. तो आप गलती कर रहे हो लाइफ के अंदर, वो मैं आज बताऊंगा क्या कर रहे हो. So, इस वीडियो को मैंने थोड़ा व्लॉग करने का सोचा है. आई होप बहुत टाइम के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ. तो आज मैं आया हूँ, मैं बंदे से मिलवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है. तो यहाँ भी इधर फ्लैट में चलते हैं. मैं मोटा हो गया हूँ, पता है. बैकग्राउंड देख के शायद समझ गए होंगे मैं कहाँ आ रखा हूँ. मैं आया हूँ हाँ जी मिलने के लिए भाई देवेंद्र भैया से. तो आज आज की मैं आपको वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं. Hey, what's up people, it's me Abhishek and you're watching as usual Alpha Abhi. तो आज कैमरे के मतलब सेटअप आपको थोड़ा जाना बेचाना लग रहा होगा. ये देवेंद्र भैया का सेटअप है और मैं देवेंद्र भैया के यहाँ पे आया हुआ हूँ. और आज कैमरे के पीछे देवेंद्र भैया है. सो हाय भैया, आ जाते. चलो ठीक है. तो आज की वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं. आज बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है. जैसा मैंने आपको बताया कि आप गलती कर रहे हो, कैसे गलती कर रहे हो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. तो बिगेस्ट मिस्टेक यू आर मेकिंग इज यू आर नॉट सेविंग, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी. आई नो आप बोल रहे हो कि फिर से एक और बंदा आ गया ये सिखाने के लिए कि हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए. तो मैं बताऊँ, हाँ रियलिटी है ये चीज़. क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है, रियल लाइफ केस स्टडीज़ लेते हैं, ठीक है. आपने अभी बहुत ज़्यादा नाम चल रहा होगा शगुफ्ता अली, शायद उनके बारे में सुना होगा. ये कुछ उनके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, या आपने ज़रूर देखे होंगे उनके बारे में. तो उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे उनको मतलब लिटरली अपने बिलोंगिंग्स को बेचना पड़ गया था. वो क्यों? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थी. वो कम से कम इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर आई गेस मोर देन 30+ ईयर्स से हैं, 36 ईयर्स से हैं. और 34 ईयर तक उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था. बाकी के लास्ट 2 ईयर्स के अंदर उनकी उनको काम मिलना बंद हो गया और फिर खर्चे उनके उस हिसाब से थे. और उस हिसाब से मतलब आप समझ सकते हो सिचुएशन क्या है. तो उनके कुछ फाइनेंशियली बैड डिसीजंस थे जिसकी वजह से ये हुई. तो ये तो बात होगी, मैं बताऊँ बॉलीवुड की. बॉलीवुड इज़ अ बिग इंडस्ट्री, आप सब जानते हो, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है. थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. आपने थ्री इडियट देखी होगी. थ्री इडियट देखी है, उसके अंदर राजू के जो पापा होते हैं, मतलब उनकी क्या कहते हैं, उनको पैरालाइज हुआ, बॉडी हाफ बंद हुई और सैलरी पूरी की पूरी बंद हुई. तो यू नेवर नो, जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो. We are your living, you are earning, you are a doctor, okay? And you are earning per month 60 or 70,000 per month. और अचानक से कुछ एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं पैरालाइज हो जाते हो या कुछ हो जाते हो जिसकी वजह से. और आप होल एंड सोल पर्सन हो अपनी फैमिली के लिए, ब्रेड अर्नर हो आप अपनी फैमिली के. तो आपके लिए वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी. इसलिए आपको अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए आगे. और ये चीज़ मैंने बहुत रिसेंटली अभी मैंने देखी है लाइफ के अंदर. मैं क्या कहता हूँ, अभी 22 का होने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी इसी हफ्ते के अंदर. तो वो चीज़ मैंने देखी और मुझे लगता है कि अब टाइम सही है इन्वेस्ट करने का, सेविंग करने का. तो बेस्ट मैं आपको आज के स्पॉन्सर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, 5paisa.com. सो उन लोगों ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है. तो वो लोग इज़ अ 5paisa इज़ अ ब्रोकर जो आपको क्या कहते हैं आपको म्यूचुअल फंड्स और इन सब में आपकी ट्रेडिंग करेंगे. और बहुत सारे होते हैं, इक्विटी होता है. मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, मैं धीरे धीरे नॉलेज ले रहा हूँ. क्योंकि इसी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है सेविंग इन्वेस्टिंग, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. तो हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि ट्रेलर थंबनेल के अंदर मैंने क्लिक बेट किया. नहीं, मैं समझाता हूँ मैं कैसे इतना पैसा मैंने लूज़ किया, वो मैं आपको वाइट बोर्ड एनिमेशन के थ्रू अच्छे से समझाऊँगा. एक मिनट, आपको क्या लगा जो मैंने थंबनेल बनाया वो क्लिकबेट किया है? जी नहीं. तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे मैंने करोड़ों रुपए, मतलब हाउ आई लॉस्ट करोड़ रुपीस. सो तो मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहा हूँ वो है 22 की एज से.
ठीक है, तो हर महीने मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो मैं कुछ करूँगा 60 साल की उम्र तक, तो मेरे पास कुछ बच जाते हैं 38 ईयर्स, ठीक है। तो जो रिटर्न होता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं 10-15% के बीच में, जो कि अराउंड 12% एक फेयर होता है। और जो मैं अपनी 1,000 रुपये की अमाउंट है वो हर साल 25% से इंक्रीज़ करूँगा। तो फर्स्ट ईयर के अंदर मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा हर महीने, और मुझे लास्ट ईयर के एंड तक आते आते 12,000 इन्वेस्ट होंगे। और उसी तरीके से मैं अगले साल कुछ और इंक्रीज़ करूँगा उस अमाउंट को, तो वो हो जाएगा कुछ 1,250, और नेक्स्ट ईयर और थोड़ा इंक्रीज़ करके वो हो जाएगा 1,500, और मेरी ऐसी इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ती जाएगी। और 38 ईयर आते आते मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँगा 10,250 रुपीज़ पर मंथ। तो और ये इतना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँगा, सो जो मैं टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगी मेरी वो होगी 87,89,744 रुपीज़। बट मुझे इस पर कंपाउंडिंग की वजह से और एनुअल रिटर्न्स की वजह से मेरे को जो नेट रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 2.62 करोड़ का। तो आप सोच सकते हो, आपने इन्वेस्ट किया 87 लाख और अब आपको मिल रहा है 2.62 करोड़। वॉट इफ अगर मैं 18 साल की उम्र से शुरू करता, क्योंकि जो कंपाउंडिंग होता है वो हर साल बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है हर साल। तो जो इनिशियली जो जल्दी स्टार्ट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो सपोज़ करो अगर मैंने 18 साल की उम्र से शुरू करे, या सपोज़ करो आप 18 साल की उम्र से शुरू कर रहे हो और आप मंथली सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, और हर साल आप उसको कुछ पैसों से बढ़ाओगे उस अपनी इन्वेस्टमेंट को, मतलब 500 से आप थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाओगे और आपको कुछ नेट रिटर्न मिलेंगे कुछ 12-13% का, और आपका जो टेन्योर होगा, मतलब जो आप इतने साल आप इन्वेस्ट करोगे वो कुछ 42 ईयर्स का होगा। तो आपको जो आपकी क्या कहते हैं टोटल आप इन्वेस्ट करोगे वो होगा कुछ 1.41 करोड़ रुपीज़। इतना आप इन्वेस्ट कर चुके होगे और आपको टोटल जो आपका रिटर्न आपको मिलेगा इंक्लूडिंग आपका इन्वेस्टेड अमाउंट वो होगा 6.31 करोड़। तो आप हिसाब लगा लो 6.31 करोड़ और 2.6 करोड़, कितना फ़र्क आ जाता है सिर्फ और सिर्फ कुछ साल जल्दी स्टार्ट करने की वजह से। तो जल्दी स्टार्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का आपको आगे फ्यूचर के लिए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्वेस्ट करो। मैं हर महीने म्यूचुअल फंड्स, मैंने एक SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो मैंने स्टार्ट कर लिया अपने लिए, और मैं हर महीने 1,000 रुपये सेव कर रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा गोल ये है लाइफ के अंदर कि मैं सेविंग करूँ, इमरजेंसी फंड अपना इकट्ठा करूँ, ताकि अगर मेरे साथ कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास इतना फंड हो कि मैं अपने करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कम से कम 1 साल तक मेरा वो इमरजेंसी फंड स्ट्रेच हो जाए। तो यू नेवर नो, कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है और आपको उसके लिए थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी चाहिए। और रही बात 1,500 रुपये की, तो ये तो यार मेरे मोमोज मनी है, मैं सही बताऊँ, मैं हर महीने इतना तो मोमोज पर खर्चा कर देता हूँ। मैं मोटा भी बहुत ज़्यादा हो गया हूँ ये खा खा के, तो उतना मैं पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे को फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर 5 पैसा का लिंक मिल जाएगा उसके ऐप का, तो आप अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करते या फिर रजिस्टर करते तो आपको 200 रुपीज़ का क्रेडिट बोनस मिलेगा मेरी तरफ से, और बाकी 300 रुपये लगा के आप खुद अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ शुरू करो यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्ट करना, मानिए मेरी बात, और आपको करना चाहिए। तो हाँ, बस यही कहना था आज की वीडियो के लिए, क्योंकि आप अडल्ट हो रहे हो और ये एक चीज़ है इन्वेस्टिंग सेविंग जो आपको अपनी लाइफ के अंदर लेके आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप अर्न कर रहे हो फिर उतना ही आप स्पेंड कर रहे हो, वो इट्स नॉट गुड फॉर योर फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि ट्राई इन्वेस्टिंग, ट्राई सेविंग, 1 साल के लिए करके देखो, देखते हैं आपके लिए कैसा जाता है। सो आज की बस यही वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लग गई है क्योंकि आप यहाँ तक देख रहे हो, तो इसका मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस आज की वीडियो बस इतनी थी, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन इट्स मी अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग एज यूजुअल अल्फा बी। बाय बाय। गरम है ये मैं क्यों कर रहा हूँ।